हेलो एवरीवन आज का जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम इसके बारे में हम पढ़ेंगे लैंग्वेज क्या है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का मतलब क्या होता है तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एज अ कॉन्सेप्ट एक्नॉलेज द फैक्ट दैट लैंग्वेज एजुकेशन डज नॉट ओनली टेक प्लेस इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेशली डिफाइन इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड रिजर्व फॉर इट फॉर एग्जाम्पल जैसे मदर टंग एजुकेशन फॉरिन लैंग्वेज एजुकेशन एंड सैक्न लैंग्वेज एजुकेशन इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की हम बात कर रहे हैं तो हम बोल ही रहे हैं इसके मीनिंग से पता चल रहा है कि लैंग्वेज करिकुलम के बाहर ये सिर्फ़ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ही इसका यूज़ नहीं किया जाता है या एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होती है वहीं डिफाइन नहीं होती और वहीं तक रिजर्व नहीं हो जाती जैसे हम मदर टंग एजुकेशन की बात करते हैं फॉरेन लैंग्वेज एजुकेशन की बात करते हैं सेकेंड लैंग्वेज एजुकेशन की बात करते हैं बट लैंग्वेज लर्निंग एंड एजुकेशन टेक प्लेस इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन स्कूल लैंग्वेज एजुकेशन स्कूल के अंदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट उसका पार्ट है और उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है करिकुलम के अंदर एकेडमिक मेंटल एक्टिविटीज़ इवन अक्रॉस द करिकुलम जो भी चीज़ें हो रही एकेडमिक नॉन एकेडमिक अकैडमिक्कालस्टिक नॉन स्कॉलरसटिक एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं ये उसका पार्ट होती है और वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है लैंग्वेज इज़ नॉट जस्ट अबाउट एनी मदर टंग के जो लैंग्वेज है फॉरेन लैंग्वेज है या सेकंड लैंग्वेज है सिर्फ वही लैंग्वेज नहीं है जो भी हम आ, करिकुलम से बाहर करिकुलम के अंदर एकेडमिक नॉन एकेडमिक चीज़ें कर रहे हैं वो आपकी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है कोर्स के अंदर कोर्स से बाहर जो है वो आपका एल ए सी है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम लैंग्वेज क्या है लैंग्वेज एक सिस्टम है जो कि हम इसका यूज़ करते हैं सोशल ग्रुप में रहकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करके कल्चर के अंदर पार्टिसिपेट करके विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड स्पोकन लैंग्वेज हम अपने आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं करिकुलम क्या है करिकुलम एक आउटलाइन है कॉन्सेप्ट की जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाएंगे एंड रिस्पेक्टिव ऑफ़ दिस इसके अलावा करिकुलम के अंदर क्या है स्कॉलरशिक नॉन स्कॉलरसटिक मीन्स करिकुलर के अंदर स्कूल बच्चा स्कूल में है स्कूल में जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहा है वो ग्राउंड में जाके खेल रहा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं म्यूज़िक होते हैं योगा होते हैं जिसी भी तरह की चीज़ें वो एक्टिविटी कर रहा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहा है अकेडमिक के अंदर नॉन अकेडमिक के अंदर वो आपके करिकुलम होता है नेचर ऑफ लैंग्वेज क्या है लैंग्वेज इज अ सिस्टम लैंग्वेज की हम पहली बात करते हैं एक सिस्टमैटिक है एक पर्टिकुलर इसका सिस्टम होता है पर्टिकुलर इसका एक पैटर्न होता है जिसको फॉलो किया जाता है हर एक लैंग्वेज का अपना खुद का सिस्टम है खुद का अपना पैटर्न है एक प्रॉपर अरेंजमेंट हर एक लैंग्वेज की होती है एंड इसका जैसे कि हम बोलते हैं फोनोलॉजिकल सिस्टम है ग्रामेटिकल सिस्टम है, है तो वो सिस्टम है लैंग्वेज इज़ अर्बेटरी है लैंग्वेज का क्या मतलब है कि एक लैंग्वेज में जो शब्द है या कोई आइडिया है उसका मीनिंग डिफरेंट है अगर हम दूसरी लैंग्वेज में ही उस शब्द को देख रहे हैं उस आइडिया को पढ़ रहे हैं वो एक डिफरेंट मीनिंग कन्वे करता है जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में हम uh, uh, जो फीमेल ह्यूमन बींग है उनको वुमेन बोलते हैं उर्दू में औरत बोलते हैं फेमिन uh, जो है वो फ्रेंच में बोला जाता है तो ये अर्बेट्री uh, है इसका कि एक मीनिंग है और उसका एक डिफरेंट लैंग्वेज में उसका डिफरेंट मीनिंग होता है डिफरेंट तरह से उसको प्रोनाउंस किया जाता है एक अलग ही उसका सिस्टम होता है देन उसके बाद आता है द सिम्बल्स ऑफ लैंग्वेज इज़ वोकल कि मतलब जो भी लैंग्वेज है वो वोकल है लैंग्वेज वोकल मींस कि वोकल साउंड से बनी हुई है वोकल साउंड्स मींस जो हमारे आर्टिकुलेटरी मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी का उनके हेल्प से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं वोकल साउंड सिखाई जाती है पहले बच्चों को देन फिर उसके बाद हम उनको उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना उनको रिप्रजेंट करना एक ग्राफिक रिप्रजेंटेशन देते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स येस कि लैंग्वेज के अंदर साउंड सिम्बल्स भी होते हैं सम ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करके या uh, मतलब कि हम बोल सकते हैं फिगर्स का यूज़ करते हैं हम सिम्बल्स का यूज़ करते हैं साइंस का यूज़ करते हैं उसकी हेल्प से भी हम लैंग्वेज को समझते हैं उसका मीनिंग समझते हैं दिस इज ऑल्सो लैंग्वेज इज सिंबलिक ऑल्सो दैन एवर चेंजिंग होती है लैंग्वेज चेंज होती रहती है जैसे इस uh, uh, हमारे कल्चर में चेंज आता है हमारे कस्टम्स में चेंज आता है हमारे लैंग्वेज के अंदर चेंज आता है लैंग्वेज लर्न होती है लैंग्वेज एक्वायर भी होती है लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है एंड इट इज़ यूनिक ये इसके कुछ नेचर हैं लैंग्वेज के देन फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज क्या क्या है लैंग्वेज कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है अभी हम यहाँ पर बैठे हैं और आप लोगों को हम वीडियो आप लोग देख रहे हैं जो भी वीडियो बनाई गई है उसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है लैंग्वेज आप उसको सुन रहे हैं आपको वो लैंग्वेज आती है तो आप उसको समझ पा रहे हैं उसका यूज़ आपको पता है यहाँ लैंग्वेज आपके सामने एक रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है इनको आप पढ़ पा रहे हैं समझ पा रहे हैं आपको रिटर्न मतलब ये समझ आ रही है इस नॉलेज इस लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज है जो है फंक्शन क्या है फ़ंक्शन इसका एक कम्युनिकेशन एक इम्पॉटेंट टूल है अगर हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं तो वो लैंग्वेज की हेल्प से कर पा रहे हैं हमने जो कल्चरल ट्रांसमिशन है एक दूसरे को हम दूसरे का कल्चर हम समझ पा रहे हैं वो लैंग्वेज की हेल्प से समझ पा रहे हैं जो भी डेवलपमेंट हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं ठीक है वो हम किसकी हेल्प से समझ पा रहे हैं लैंग्वेज की हेल्प से समझ पा रहे हैं तो लैंग्वेजेस के वैसे हम बोल सकते हैं कि हर एक लैंग्वेज जो है उसका अपना एक फंक्शन होता है उसकी अपना एक रोल होता है और उसके अपने खुद का एक सेंटेंस एक सिंटेक्स होता है एक खुद के रूल होते हैं तो उसके थ्रू ही उसके जो फंक्शंस हैं वो चेंज होते चले जाते हैं और लैंग्वेज जो है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सोसाइटी में रह के एक कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक साथ पार्टिसिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक कम्युनिटी फॉर्म करने के लिए सोसाइटी फॉर्म करने के लिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लैंग्वेज के फोर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स होती हैं रीडिंग एल एस आर जिसको हम बोलते हैं लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग और ये पेयर में वर्क करती हैं एक स्किल का डेवलपमेंट बाकी स्किल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है और अगर आप एक अच्छा लैंग्वेज स्पीकर बनना चाहते हैं और लैंग्वेज को करिकुलम के बाहर द करिकुलम यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये चार बेसिक स्किल्स आनी चाहिए टीचर्स लैंग्वेज नॉलेज एंड स्किल्स टीचर्स को भी अगर हम स्कूल के इन्वामेंट में जाते हैं हम क्लासरूम में जाते हैं तो ये ज़रूरी है कि टीचर्स को नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेज की एंड स्किल्स की कि कैसे डेवलप करना है अगर कोई लैंग्वेज टीचर है कोई इंग्लिश लैंग्वेज टीचर है अगर वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहता है लर्न कराना चाहता है सिखाना चाहता है अगर उसको लैंग्वेज नहीं आएगी उसके रूल्स पता नहीं होंगे उसके ग्रामेटिकल पैटर्न क्या है उसकी फोनोलॉजी क्या है उसका सिंटेक्स क्या है कैसे इनको यूज़ करना है कैसे बच्चों को पढ़ाना है किन मैथड्स का स्ट्रैटीज़ का इस्तेमाल करना है तो आई डोंट थिंक सो कि वो एक इफ़ेक्टिव टीचर है एक इफ़ेक्टिव लैंग्वेज टीचर है और एक वो आ, टीचर मीन्स की जो उस लैंग्वेज रिलेटेड जो नॉलेज है उस स्किल्स हैं वो बच्चे तक इम्पार्ट कर पाएगा उनको सिखा पाएगा तो एक लैंग्वेज को सिखाने के लिए टीचर के लिए ज़रूरी है उसकी लिंग्विस्टिक नॉलेज होना उसकी मीन्स uh, की ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करें स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करें कि जो बच्चे के अंदर उस लैंग्वेज को लेकर डर है वो दूर हो बच्चा उसमें इंटरेस्ट उसका इंटरेस्ट आए क्योरसिटी बढ़े और उस लैंग्वेज को वो लर्न करना चाहे उसकी अटेंशन डेवलपमेंट करे उसकी मीन्स जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट करे तो इसके लिए टीचर का सफिशेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचर को जो भी एड्स हैं जो टीचिंग लर्निंग एड्स हैं वो जो यूज़ होने हैं लैंग्वेज लर्निंग के अंदर उनका यूज़ करना आना ज़रूरी है लैंग्वेज के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके प्रोनंसिएशन में उसके स्पेलिंग में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग अप टू डेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर टीचर को नहीं आएगा तो आई डोंट थिंक सो कि बच्चे को कुछ आएगा अब बेनिफिट्स क्या हैं लैंग्वेज के बच्चे के लिए क्या बेनिफिट्स हैं बच्चे कंटेंट को अच्छे से समझ पाते हैं उनके आइडियाज़ जो हैं एक लैंग्वेज उन्हें पहले से आती है वो लैंग्वेज उनको दूसरी लैंग्वेज लर्न सेकेंड लैंग्वेज लर्न करने के लिए हेल्प करती है इससे क्या होता है कि उनके जो आइडियाज़ हैं वो डेवलप होते हैं उनका कंटेंट डेवलप होता है जो भी लैंग्वेज अगर मान लो कोई इशू आ रहा है किसी सेकेंड लैंग्वेज को यूज़ करने में फ़ॉरन लैंग्वेज को यूज़ करने के अंदर तो वो उस इशू को सॉल्व कर सकते हैं समझ सकते हैं टेक्निकल टर्म्स की नॉलेज उनको हो जाती है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोई मीनिंग डिफरेंट है उस वर्ड का वो समझ आ जाता है उनको ऑपरचुनिटीज़ ज़्यादा ओपन हो जाती हैं एक सेल्फ़ स्टडी के लिए उनकी मदद हो जाती है टीचर्स क्या है अपनी जो स्किल्स हैं फ़ॉर लैंग्वेज में वो इम्प्रूव कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में जो टीचर है अगर उसको ये नॉलेज है कि उसे इससे बाहर कैसे यूज़ करना है उस लैंग्वेज का वो उनको पता चलता है अपनी नॉलेज को अप टू डेट कर सकते हैं वो बैरियर्स जो भी हैं लैंग्वेज लर्निंग में वो ख़त्म हो जाते हैं तो ये कुछ लैंग्वेज अक्रोस द करिकुलम और लैंग्वेज क्या है उसका यूज़ क्या है और करिकुलम से अक्रोस कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ये है थैंक यू